उमरिया जिले के ग्राम जरहा के जलहली माता मंदिर प्रांगण में क्षेत्रीय महासभा उमरिया के द्वारा अपने वंशज महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत क्षेत्रीय महासभा के द्वारा माँ ज्वाला धाम शक्तिपीठ उचेहरा मंदिर प्रांगण से विशाल बाइक रैली निकालकर की गई। बाइक रैली शक्तिपीठ उचेहरा से निकलकर ग्राम करकेली के रास्ते उमरिया पहुंची, जहां पर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए फिर करकेली के रास्ते नौरोजाबाद पहुंची तथा बाइक रैली नौरोजाबाद से निकलकर महुरा, पिनोरा, डगडोबा, कोहका, घुलघोली से होते हुए कार्यक्रम स्थल ग्राम जरहा के जलहली मंदिर प्रांगण बाइक रैली का यहां समापन हुआ। तत्पश्चात जलहली मंदिर प्रांगण में स्थित क्षत्रिय समाज के वंशज महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के द्वारा माल्यार्पण कर मंचीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व मंत्री तथा पूर्व सांसद ज्ञान सिंह, बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह का क्षत्रिय महासभा के द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। मंचीय कार्यक्रम के पश्चात क्षत्रिय महासभा के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद ज्ञान सिंह और बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह, क्षत्रिय महासभा उमरिया के अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह, किसान मोर्चा उमरिया के महामंत्री विनय सिंह, केशु सिंह, क्षत्रिय महासभा के कोषाध्यक्ष नंद कुमार सिंह सहित हजारों की संख्या में क्षत्रिय महासभा के लोग उपस्थित रहे। जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ है, उनके मरण के निमित्त ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आज पूरा दिन हमारे अजमुताना के उनके वंशजों ने पूरे इससे उमरिया जिले के अंदर एक बड़े भव्यता के साथ में रैली आयोजित किया और अभी इस संपन्न का संपन्न हुआ है और उसके ही निमंत्रण में मैं यहाँ आया हूँ और मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे सभी समाज के क्षेत्रीय महासभा के सारे कार्यकर्ताओं को, पूर्वजजनों को, कि उनने एक भव्य कार्यक्रम महाराणा प्रताप की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित किया है। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व काम यहाँ के लोगों ने किया है। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।